लगाए जा रहे हैं प्रशांत विहार के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने। इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। आज यहाँ पर इस हॉस्पिटल से खफा कुछ लोग आए हैं। वजह है मरीजों को हॉस्पिटल में सभी दवाइयों का ना मिलना और उन्हें बाहर से खरीदने के लिए मरीजों को मजबूर करना। चोरी हो रही है, कम हो रही है, और जब हम आते हैं दवाइयाँ लेने, ये कहते हैं कि दवाइयाँ है नहीं, एक दवाई या दो दवाई दिखा देते हैं, बाकी दवाई कहते हैं बाजार से लीजिए। चीजें चोरी हो रही है यहाँ पे, कोई जवाब नहीं है, कोई सेटिस्फेक्टरी जवाब किसी का नहीं है कोई। तो आज मैं इनके पास आई और इनका कल पता भी ये चला है कि हाँ यहाँ पे स्टॉक भी कम है और लोगों को दवाइयाँ नहीं दी जाती। तो अभी डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आप पर्चियाँ लेके आइए, मतलब हम लोग जो बात करने आए हैं ये पहले कह रहे हैं झूम इकट्ठा करो, लोग इकट्ठे करो और मैं इनको पर्चियाँ दिखाऊँ। मैं फार्मेसी का इंचार्ज हूँ, ये नीचे का जितना स्टोर है वो सारा का सारा यहाँ के डॉक्टर के अधीन या स्टोर कीपर के उसमें रहता है, कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ये। लोगों की माने तो वो सरकार को सभी चीजों का टैक्स तो देते हैं, लेकिन यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उन्हें उचित जवाब भी नहीं मिलता और हॉस्पिटल से सामान की चोरी भी हो रही है। दवाइयाँ कभी समय पे नहीं मिलती हैं। जब भी आओ पर्ची लेके आओ, अगर उन्होंने 5 दवाइयाँ लिखी हैं तो 2 दवाइयाँ अवेलेबल है, और जो भी कम कीमत की दवाइयाँ वो अवेलेबल है, जो हाई कीमत की दवाइयाँ हैं वो भी हम मिलेंगे नहीं, वो बाहर से ले लो जी। इसके अंदर पूरा का पूरा जो स्टॉक है, जब भी कभी भी आओ यहाँ पर, हमेशा स्टॉक में है नहीं, स्टॉक है नहीं। और जब हम अपना टैक्स दे रहे हैं तो हमको हमारा जवाब भी तो चाहिए। जब पूछो तब यही कि भाई कार्रवाई चल रही है, सूचना चल रही है, आगे से आप पूछिए हम क्या करें। वहीं हॉस्पिटल के अधिकारी पहले तो इस तरह की किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार कर देते हैं, साथ ही कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में नहीं है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि कुछ मामलों में जांच चल रही है और दोषियों को दंडित भी किया जाएगा। कोई भी सरकार पूरी दवाइयां, हम सोचें कि ए से जेड तक सारी दवाइयां हों, वो संभव नहीं है। इसके अल्टरनेटिव जरूर आते हैं आपके पास? हाँ हाँ आते हैं और वो हम देते हैं। दवाइयों का हमारे पास पूरा स्टॉक है, वो दवाइयाँ मिल रही हैं। दवाइयों के लिए किसी को कभी भी असुविधा नहीं हुई है मेरे आने के बाद, कम से कम। जांच बैठा दी गई है, जांच का रिजल्ट आएगा, जिसको भी दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार के श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर पंचकर्म आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर चोरी और गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन खुद को साफ सुथरा बता रहा है, वहीं मरीज किसी भी कीमत पर दोषियों को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन रवि रोहिल्ला के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।